कालू जी, आप लेबनन बॉर्डर से, बॉर्डर के एकदम करीब रहते हो। इस तरफ सीरिया है, इस तरफ जॉर्डन है, और इस तरफ लेबनन है। आप तीनों तरफ से घिरे हुए हो, तो क्या माहौल है अभी यहाँ का? माहौल तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन माहौल थोड़ा डर का माहौल है यहाँ पे। जितने भी आप मकान देख रहे हैं, सब आधी से ज़्यादा फैमिली यहाँ से मूव कर चुकी है, किसी रिलेटिव्स के यहाँ तेल अवीव में और अन्य जगह। और माहौल ऐसा है कि अभी तो यहाँ थोड़ा सा वहाँ पे जो साउथ इसराइल में जो हो रहा है उसी के कारण यहाँ पे हिजबुल्ला मतलब थोड़ा बहुत अटैक वगैरह करता है। एक दो मिसाइलें भी आई थी पहले भी। और जो बॉर्डर के जो गांव आपको दिख रहे हैं, वो जो सामने हैं, उनको खाली कराया जा चुका है। वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। हमारे जो गांव में हैं तकरीबन 3,000 फैमिली थी, अभी हम 300 फैमिली बची हैं। कालू जी, आप क्या हमें जरा दिखा सकते हो कि यहाँ पे जो पहाड़ी मुझे दिख रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा समझा सकते हो हमारे दर्शक के लिए, क्या 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 जो विलेज हैं, ये सब ये इज़राइल के विलेज हैं। नीचे जो जो गांव मुझे दिख रहा है, अच्छा अच्छा। और उसके बाद में वो खरमोन माउंटेन है, जो यहाँ पे स्नो वगैरह जहाँ पे वो बादल दिख रहा है हमें, वो खरमोन माउंटेन है। वो जो गांव आपको दिख रहा है वो वहाँ का लेबनान का है, उसके बाद में सब लेबनान है सारा। तो ये जो इसराइल पे जो लेबनान से जो अटैक हो रहा है, वो किस तरफ से हो रहा है? वो इस साइड से करते हैं। वो ये जो काली पहाड़ी मुझे दिख रहा है वहाँ से? अच्छा, तो अच्छा। इसके नीचे जितने भी जो विलेज हैं उन सबको खाली कराया जा चुका है, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे। और हमको भी यहाँ पे अलर्ट आ चुका है, हमारे घर में भी वो शेल्टर रूम बना हुआ है। अगर सायरन बजता है तो उसमें 30 सेकंड अपने को 30 सेकंड होता है आपके पास उसमें जाने के लिए। कालू जी, आप बोल रहे थे कि यहाँ पे 3,000 लोग रहते थे, अभी से बच्चे कुछ 300 ही शायद यहाँ पे रह रहा है। हाँ। तो आप यहाँ पे क्यों रह गए? आप तो इंडियन हो, आप यहाँ पे क्यों रह रहे? तो रेस्टोरेंट है, तो हमारा तो, लेकिन वो तो बंद है अभी। बंद तो है, लेकिन हम जो सैनिकों के लिए खाना बना रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छा, इसराइली सैनिकों के लिए खाना बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हमको इंडियन खाना जो थाली हमारा वेजिटेरियन है, जैसे कि आप देख सकते हैं थाली प्लेस, तो उस खाने को हम यहीं पे सब इसराइली सोल्जर को सर्व कर रहे हैं। और ये जो डोनेशन आता है हमारे पास भी आगे से, मतलब कच्चा माल आता है, हम उसको पका के आगे देते हैं। तो अभी सब तो अब इसराइली सैनिकों के लिए आपको क्यों खाना बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हमको यहाँ 10 साल हो गए, 10 साल हमारा यहाँ पे बिजनेस है, हमारा नाम है, हमारा काम यहीं पे है, घर यहीं पे है। और अब इस दुखी घड़ी में हम भी इसराइल के साथ खड़ा होके इस आतंकवाद की जो लड़ाई है उसमें हमारा छोटा सा योगदान देके अगर कुछ हो सकता है तो हम भी तैयार हैं। और मैं तो सोचता हूँ ये लड़ाई केवल इसराइल की नहीं है, ये पूरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरे विश्व की है। आपके रेस्टोरेंट से, आपके घर से क्या खाना जा रहा है इसराइली? दाल, चपाती, राइस, मिक्स वेज, आलू गोभी, ये सब तैयार होके, प्लेट तैयार होके उसमें हम डालते हैं और गर्म गर्म खाना सर्व करते हैं। दिन में केवल एक ही बार करते हैं। अगर मानो कि जैसे सिचुएशन बदतर होते जा रहा है, अगर मानो कि यहाँ पे अगर लेबनन से जो अटैक हो रहा है अभी, इसका इंटेंसिटी अगर बढ़ जाए, सीरिया से और भी मिसाइल आने लगे, तो इस ये जो जगह पे हम खड़े हैं अभी, तीनों तरफ से घिरे हुए हैं इसराइल, इसका कितना बदतर हाल होगा इस जगह का? आपको एक बात तो बताऊं, मैं जो मिसाइल वहाँ से आते हैं उनके लिए ही वो आयरन डोम बना हुआ है। यहाँ पे सब जगह आयरन डोम लगे हुए हैं, तकरीबन 95% मिसाइल को वो और 80% को वो रिजेक्ट कर देता है हवा में। तो यहाँ पे जैसे अगर 3 मिसाइल आई तो उसमें से एक गिरी और 2 को उन्होंने हवा में मार गिराया। तो इस हिसाब से मेरे को एक, और यहाँ पे बहुत सेना है, बहुत आर्मी है, और बहुत यहाँ पे अमेरिकन सेना आ चुका है, जंगी। अच्छा, इस एरिया में अमेरिकी सेना भी पहुंच चुकी है? आ चुकी है। उनके फाइटर प्लेन आ चुके हैं, उनके जहाज आ चुके हैं, उनके सैनिक आ चुके हैं। तो मतलब पूरी तैयारी है। अगर इधर से अगर इसराइल गाजा के ऊपर अटैक करता है बाई वॉक, और उसमें अगर कोई बाधा डालने की कोशिश हिजबुल्ला करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये पक्की बात है।